देखो वन पीस के अंदर विल का बहुत ही बड़ा खेल है। कोई किसी की विल फॉलो करता है, कोई किसी की विल को फॉलो करता है, जैसे कि रोजर की विल लूफी फॉलो करता है और ओडन की विल मोमोनोसुके। तो अपन इस बारे में बात करेंगे कि आज अपने एक जॉय बॉय नाम का एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है एंशियंट टाइम का। बहुत से लोग कहते हैं कि वो सबसे पावरफुल है पूरे वन पीस के यूनिवर्स में। उसकी विल फॉलो करने वाली बहुत से लोग हैं, तुम लोग जानते हो एक या दो को, पर तुम लोग पांचों को जानते हो। तो इसी वीडियो में पांच लोग हमारे बात करेंगे जो जॉय बॉय की विल को फॉलो करते हैं। वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। और अगर तुम्हें चैप्टर 1062 के स्कॉलर देखने हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो नंबर 5 पे अपन का आता है फिशर टाइगर। अगर तुम लोगों ने फिशमैन आर्क देखा है तो उसमें तुम लोगों को फिशर टाइगर के बारे में मालूम होगा। वो बहुत ही एक मतलब अच्छा आदमी था, मतलब अच्छा फिशमैन था, आदमी तो नहीं था वो। तो वो एक दिन ऐसे घूमने गया था, मतलब वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने गया था। तो उसको सेलेस्टियल ड्रैगन तुमको मालूम हो तो उसने उसको स्लेव बना लिया था। तो उसके बाद से उसने ठान ली थी कि वो सबको फ्री करवाएगा। मतलब उसका पहला आंसर था कि फ्रीडम को देखने गया था, फ्रीडम के लिए गया था। जॉय बॉय भी इसी को फिल को फॉलो करता है, जॉय बॉय भी फ्रीडम के लिए ही रहता है। तो एक तो ये हो गया। और जॉय बॉय ने मतलब सन गॉड निका वाले फॉर्म में या सन गॉड निका ने स्लेव को छुड़वाने का काम करता था। जॉय बॉय इसलिए उसका नाम था क्योंकि सबको बचाता था, सबके चेहरे पे स्माइल लाता था। तो इसका मतलब फिशर टाइगर वही करता है। बहुत से स्लेवों को बचाया, जैसे क्वाला हो गया, हो गई अपनी को उसकी दोनों सिस्टर हो गई, बहुत सारे स्लेवों को बचाया। तो ये एक जॉय बॉय निशानी हो सकती है। अगर उसे फ्रूट होता मोमोनोमी तो पक्का जॉय बॉय बन जाता। तो ये तो अपने नंबर 5 अपना बात कर ले। नंबर 4 के बारे में, तो नंबर 4 पे अपने पास आ जाता है ओडन। ओडन कैसे थे? ओडन के अंदर बहुत ही विल मतलब खतरनाक विल थी। वो लोगों को बचाता था और उसका सबसे बड़ा सपना था फ्रीडम। तो वो फ्रीडम चाहता था, वो एक ही जगह पर बंद रहना नहीं चाहता, उसको वर्ल्ड एक्सप्लोर करना था। जॉय बॉय के लिए तुम फ्रीडम होना ही चाहिए और लोगों को बचाने की भी वो होना चाहिए तुम्हारे पास। वो भी सबके चेहरों पर स्माइल लाता था। वो भी एक जॉय बॉय है पर वो भी बिना डेविल फ्रूट वाला ही था। उस पर भी कोई डेविल फ्रूट नहीं था, फिर भी वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रखा था। तो ये हो गया अपना नंबर 4। बात कर लेते हैं अपने नंबर 3 के बारे में। देखो नंबर 3 पे अपना आ जाता है गोल्ड डी रोजर, द किंग ऑफ पायरेट। वो बहुत से लोगों को मालूम होगा कि वो भी जॉय बॉय की विल को फॉलो करता था, क्योंकि उसका भी सपना फ्रीडम था और वो भी वर्ल्ड को पीस और फ्रीडम के नजरिए देखता है कि वो भी वर्ल्ड को फ्री करवाना चाहता था हर चीज से। कोई किसी के दुश्मन ना हो, कोई किसी लड़े झगड़े ना, इसके लिए उसने बहुत से रास्ते अपनाए और जिसके बाद से वो लाफ्टेल भी हो गया आया। उसका उसको रियल जॉय बॉय जो था उसका मैसेज भी मिला। उसके बाद उसने बहुत सारे डिसीजन लेके एक और जॉय बॉय को जन्म दिया, वो था अपना लूफी। मतलब उसने जन्म नहीं दिया, उसने प्लानिंग करके करा। अगर तुम लोगों को इसकी पूरी डिटेल चाहिए कि रोजर ने कैसे अगले जॉय बॉय को आने दिया या फिर अगले जॉय बॉय के लिए रास्ता क्लियर करा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। तो रोजर तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं। तो बात कर लेते हैं अपने नंबर 2 की। नंबर 2 के बारे में तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा नंबर 2 है। देखो नंबर 2 पे अपने पास आ जाता है ड्रैगन या फिर साबो। दोनों में से किसी को भी ले सकते हो पर ड्रैगन ज्यादा अच्छा रहेगा। साबो बचपन से इतना नहीं था, ड्रैगन बहुत ही एकदम अच्छा दिल का आदमी है और वो भी रेवोल्यूशन आर्मी चलाता है मरीन की तरह, पर वो झूठन था, अपनी करता मरीन जैसा। तो ड्रैगन की हम लोगों को मालूम है कि रेवोल्यूशन आर्मी स्लेवों को बचाने का काम करती है। जो सेलेस्टियल ड्रैगन के स्लेव होते हैं उनको फ्रीडम दिलवाती है, पूरे वर्ल्ड के स्लेवों को। वो चाहता है कि कोई स्लेव नहीं रहे, तो इन चीजों से सबको बाहर निकालता है, उनके चेहरों पर खुशियां लाता है। ड्रैगन का यही काम है और जॉय बॉय का भी यही काम था। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि ड्रैगन भी एक जॉय बॉय बन सकता था अगर उस पर वो वाला डेविल फ्रूट होता, पर उस पर किसी और गॉड का डेविल फ्रूट है। ड्रैगन जॉय बॉय के बराबर पावरफुल मान सकते हो क्योंकि उस पर भी कोई गॉड वाला डेविल फ्रूट है। अगर तुमको जानना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी जाके चेक कर लेना। बात कर लेते हैं लास्ट और फाइनल, जिसके बारे में तुम लोगों को मालूम ही होगा, जो जॉय बॉय है अभी के टाइम पे, वो है मंकी डी लूफी, फ्यूचर पायरेट किंग, जिसने अभी अभी अपना गोमोगोनोमी हितोयुतोनोमी मॉडल ह्यूमन और मॉडल निका कह सकते हो उसमें कन्वर्ट कर लिया है और अब जॉय बॉय बन गया है अपने गियर 5 वाले फॉर्म में। बहुत से गियर 5 कहते हैं, बहुत से कुछ और कहते हैं। तो हमको मालूम है कि वो एक जॉय बॉय के फॉर्म है या सन गॉड निका का फॉर्म है। तो सन गॉड निका का फॉर्म जॉय बॉय ही, जो अभी के टाइम पे जॉय बॉय होता है, वही इस्तेमाल कर सकता है। उसका रीजन भी तुमको मालूम होगा क्योंकि वो उसकी एकदम फ्रीडम चाहता है, वो फ्री रहना चाहता है। अपन ने रिसेंट मांगा में पढ़ा भी था, वो बोल रहा था कि जब वो फ्री होता है, जब वो गियर 5 की फॉर्म को हासिल कर सकता है। ये थे अपने टॉप 5 जॉय बॉय बन सकते थे अगर उन पे चांस होता है डेवल फूड होता। यहीं तक। तो वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल मैंने सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, उससे पहले वीडियो में कमेंट करो बताना वीडियो कैसी लगी। तो जब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।